हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम बल्लू 11 व्लॉग्स में एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि किसी और चीज़ के बारे में नहीं, संत सियाराम बाबा के बारे में, जो कि निमाड़ क्षेत्र के काफ़ी प्रसिद्ध संत है। ऐसा कहा जाता है कि सियाराम बाबा की उम्र लगभग 105 साल या 90 साल के लगभग है। दोस्तों, सियाराम बाबा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको भारत के एक महान संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंधे और विले हैं, सियाराम बाबा। सियाराम बाबा आज से लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व हिमालय से तपस्या करके खरगोन जिले के टेनी बट्यान ग्राम में नर्मदा के किनारे पहुंचे थे। इस ग्राम में नर्मदा किनारे पहुंचकर इन्होंने अपनी कुटिया बनाई और 12 वर्ष का इनका मौन था। और मौन पूरा होने के बाद इनके मुख से पहला शब्द निकला था वो सियाराम। तभी से लोगों ने इनको सियाराम नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया और तभी से इनका नाम सियाराम बाबा पड़ा। खरगोन जिले के तेली बट्यान ग्राम में सियाराम बाबा का आश्रम है और इस आश्रम की विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रत्येक आने वाले परिक्रमा वासी जो कि वहाँ नर्मदा की परिक्रमा करके यहाँ पर परिक्रमा वासी जब इस आश्रम में पहुँचते हैं तो बाबा स्वयं अपने हाथों से उन परिक्रमा वासियों भोजन करवाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। जब आप और हम आम श्रद्धालुओं की तरह सियाराम बाबा के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं तो बाबा स्वयं अपने हाथों से चाय बनाकर हमें पिलाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। माँ नर्मदा ने सियाराम बाबा की भक्ति है और सियाराम बाबा की कई विशेषताओं के चलते इन्हें जाना जाता है। सियाराम बाबा ने 12 वर्ष का मौन धारण किया था, 10 वर्ष की खड़ेश्वर तपस्या की थी जिसमें सारे काम खड़े होकर किए जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि सियाराम बाबा के आश्रम में जब आप दान करते हैं 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तो यहाँ पर आपसे मात्र 10 रुपए लिए जाते हैं, बाकी आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं और उसी 10 रुपए का रजिस्टर में बाकायदा एंट्री होती है और उस 10 रुपए से जो भी यहाँ पर कम आवासी आते हैं उनके रहने खाने और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। सियाराम बाबा की कई विशेषताएं, कहा जाता है कि सियाराम बाबा ने जो आश्रम क्षेत्र का मुआवजा था वो पूरा नांगलवाड़ी मंदिर में दान कर दिया था और सियाराम बाबा ने 2.5 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण में दान किए थे। कई विशेषताएं हैं सियाराम बाबा की। सियाराम बाबा की उम्र लगभग 100 से 105 साल की है जो कि भारत के सबसे महान संतों में गिने जाते हैं। वो इन्हीं विशेषताओं के चलते सियाराम बाबा को काफी पूजा जाता है आसपास के इलाके में, वो काफी महान संत है। वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।